नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि लड्डू गोपाल की छठी कब करें, कैसे करें, किन नियमों का ध्यान आपको रखना है। तो पूरी जानकारी आप ज़रूर से लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व 26 और 27 अगस्त को मनाया गया है। ऐसे में छठी 6 दिन के बाद मनाई जाएगी। बता दें कि इस साल श्री कृष्ण की छठी 1 सितम्बर को मनाई जाएगी। कहीं पे लोग उसी दिन से मानते हैं तो आप 31 अगस्त को भी छठी मना सकते हैं। अब छठी वाले दिन आपको क्या कार्य करने हैं, तो छठी वाले दिन आप उसी तरीके से जैसे आपने लड्डू गोपाल का जन्म किया, आपको पहले एक थाली ले लेनी है, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और उसके बाद लड्डू गोपाल को उसमें बिठा दीजिए। उसके बाद चनामृत से कच्चा दूध, दही, जल, शहद, जितनी भी सारी सामग्रियाँ रहती हैं उन सारी चीज़ों से आप लड्डू गोपाल का स्नान कराएं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक एक स्नान के बाद आप जल चाहें तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप एक स्नान कराएं, जैसे कि आपने दही का कराया, फिर दूध का कराया, गंगा जल मिश्रित आप जल का स्नान कराएं। उस बर्तन में फूल थोड़े थोड़े से डाल दें, बीच बीच में लड्डू गोपाल को शहद लगाते रहें और फूल आप लोटे में डाल रखें तो लड्डू गोपाल के ऊपर फूल आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम छन्नी से लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं। जैसे सावर से स्नान हम करते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल को स्टील की छन्नी से हम स्नान करा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे उस हिसाब से, जैसे कि छोटा सा बच्चा हमारे घर पर हुआ है, हम उस तरीके से लड्डू गोपाल का स्नान करा रहे हैं। खूब प्रसन्नचित्त मन से आप ये कार्य करिएगा। जैसे कि आपके घर में कोई छोटा सा नन्हा सा बालक हुआ है और आप उसका अभिषेक करा रहे हैं, ये सोचते हुए आप लड्डू गोपाल के ऊपर धीरे धीरे चनामृत दूध, आप देख सकते हैं कि हमने धीरे धीरे स्नान कराया है, उसी पूर्वी विधि के साथ आप स्नान कराएं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा फूल हम यहाँ पे छिड़क देंगे, नए वस्त्र हम धारण करेंगे। देखिए आज के दिन आपको सेम उसी तरीके से सारे कार्य करने हैं, जिस कार्य को आपने जन्म वाले दिन किया था उसी तरीके से आप सारे कार्य करेंगे। लड्डू गोपाल को प्यार से स्नान कराइए, पानी से थोड़ा सा उनके साथ खेलिए, क्योंकि ये छोटे से लड्डू गोपाल हैं और बच्चे का जन्म आपके घर में हुआ है। एक साफ कपड़ा लेकर के इस तरीके से आप पोंछ दीजिए उन्हें, बिल्कुल भी सुखा दीजिए अच्छे से, बिल्कुल भी गीले नहीं रहने चाहिए लड्डू गोपाल। गीले रहेंगे हमारे लड्डू गोपाल तो उन्हें ठंड लग जाएगी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कमर में करधनी बांध रखी है, जैसे कि छोटे बच्चे को करधनी बांध रखते हैं, और यहाँ पे उनका सारा सामान एक टोकरी में, साफ चंदन, कपूर और बाल इत्यादि सारी चीज़ें हम रख लेंगे। धीरे धीरे हम उनका श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार कम्प्लीट हो जाएगा जब भी आपका, तो आप उनको इत्र लगा दीजिए पूरे बदन पर। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप छोटे से बच्चे को की तैयारी कर रहे हैं, यानी छोटे से बच्चे की छठी मना रहे हैं, छठी के दिन आप पीले रंग का वस्त्र उन्हें अर्पण करिए। आप चाहे तो कोई भी कलर का पहना सकते हैं। देखिए छठी क्यों मनाई जाती है, आप स्क्रीन पे जो भी प्रक्रिया हो रही है उसे देखते रहें, साथ ही साथ मैं आपको ये जानकारी देती हूँ कि छठी क्यों मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है तो माँ और बच्चे को आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, और छठी इसलिए मनाई जाती है कि छठी माता बच्चे को लंबी आयु का आशीर्वाद दें। सभी के घर में छठी मनाई जाती है बहुत ही धूमधाम से। आपको बता दें बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि जो लोग भी लड्डू गोपाल का जन्म करते हैं उन्हें छठी मनाना अनिवार्य रहता है। आप ज़रूर से छठी मनाइए, बहुत ही आसान तरीके से आपको छठी मनाना बताएंगे। जैसे कि आपने लड्डू गोपाल का जैसे जन्म किया है, खीरे में, पपीते में या किसी भी चीज़ से, फूल वगैरह से आपने लड्डू गोपाल का जन्म किया है, उसके बाद आपने तो जन्म कर लिया एक दिन,
जन्म होने के 6 दिन के बाद आपको मनानी है छठी। छठी वाले दिन आप स्नान इत्यादि करवाइए लड्डू गोपाल का, उसके बाद नए वस्त्र उन्हें समर्पित करिए। और एक बात और आपको बता दे कि छठी वाले दिन जैसे माताएं अपने बच्चे के ऊपर से आंचल नहीं हटाती हैं, वैसे ही आपको आज के दिन लड्डू गोपाल को कोई ऐसा छोटा सा कपड़ा ज़रूर से उनके ऊपर डाल के रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें नज़र इत्यादि ना लगे। आज के दिन लड्डू गोपाल को काजल लगाना चाहिए, उनका विधिवत श्रृंगार करना चाहिए, कढ़ी चावल और कहीं कहीं अचवानी पूड़ी बना के उन्हें खिलाई जाती है। तो आपके यहाँ जैसे होता होगा कि अगर आपके यहाँ कढ़ी चावल बनता होगा छठी वाले दिन, तो आप कढ़ी चावल बनाइएगा। अगर आपके यहाँ अचवानी पूड़ी बनती होगी तो आपके अचवानी पूड़ी बनाइएगा, और लड्डू गोपाल को भोग लगा करके पूरे परिवार सहित आप खाइएगा। आज के दिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन भी आपको कांदा लहसुन मतलब कि प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए। और कढ़ी भी आप जो बनाएं, अचवानी भी जो आप बनाएं, वो लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी बिना कांदा लहसुन की चीज़ें बनती हैं, तो आप उसी तरीके से साफ सात्विक चीज़ें बनाएं। आप उनकी सेवा करते होंगे तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। और मैं बता दूं कि अगर जो लोग भी घबराते हैं कि लड्डू गोपाल की वो सेवा कैसे करेंगे, तो अगर एक बार आप लड्डू गोपाल को अपने हाथ में ले लेंगे और उन्हें एक बार झूला झूला देंगे, तो आपके मन में सारे नियम अपने आप ही करने की इच्छा प्रकट होगी। जो नियम आप पहले करने से कतराते थे, वो सारे नियम आप धीरे धीरे लड्डू गोपाल के लिए खुद ही करने लगेंगे। लोग सोचते हैं कि अरे हम लड्डू गोपाल को कैसे रखें, उनकी सेवा बहुत कठिन है। एक बार आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लेके आइए, आप देखेंगे कि उनकी कृपा से आप सारे नियमों का पालन करने लगेंगे और सब चीज़ों का पालन आप खुद पर खुद करने लगेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के दिन जो चौकी आपने लगाई है उसका आपने क्या करना है। देखिए चौकी जो होती है आप उसको साफ़ करके आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। बहुत लोग चौकी जो है वो दे देते हैं दूसरों को, मतलब दान में दे देते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर दीजिए। और अब फूलों का क्या करें, जो फूल हैं आपके आसपास अगर कोई जलाशय है तो आप वहाँ पे विसर्जित कर दीजिए। पूजा की जो भी सामग्री आपके पास बची हुई है वो आप वहाँ पे विसर्जित कर दीजिए, अन्यथा अपने प्रयोग में भी ले सकते हैं। लेकिन जो सूखे हुए फूल हैं वो आप जल में विसर्जित करिए, या तो अपने घर में किसी गमले में आप डाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप गमले में डाल देंगे, आपके आसपास कोई चीज़ नहीं है बहाने के लिए जलाशय वगैरह, तो आप गमले में भी डाल दीजिए, इसका दोष आपको नहीं लगता है। गमला भी मिट्टी का होता है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए जिससे कि वो गल जाए, और मिट्टी को आप खोद दीजिए थोड़ा और उसके ऊपर ढक दीजिए। ये एक खाद का भी काम करेगा, साथ ही साथ आपने फूल को एक साफ़ और स्वच्छ जगह डाला है, ये बात का भी आपको संतोष रहेगा। कोई कोई छोटी चीज़ें रहती हैं जो हमें करने में आनंद आता है, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसने हमें डर भी लगता है करते वक्त, तो कि अब फूलों का क्या करें, इन्हें कहाँ फेंकें, कहाँ डालें। तो मैंने आपको बताया अपने गमले में भी आप डाल दीजिए, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी इसका आपको कोई दोष पाप नहीं लगने वाला है। और आपने जो नारियल लोटे में डाल के रखा है, जिस कलश बनाया है, उस कलश का जल आप पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद आप इस जल को जो है आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। और साथ ही साथ जो छठी है, छठी वाले दिन आपको अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। बहुत सारे लोग पंडित को ब्राह्मण को बुला के छठी करवाते हैं, तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो लड्डू गोपाल का ब्राह्मण को बुला के छठी करवाइए, अन्यथा आप खुद भी कर सकते हैं। छठी हमें शाम को करनी चाहिए, सुबह या दोपहर में नहीं, तो आप शाम के समय लड्डू गोपाल की छठी करें। सुबह पूर्वोत्तर विधि से जैसे बताई गई है विधि, उस विधि से आप पूजा करें। शाम को लड्डू गोपाल को आप अचवानी पूड़ी, जैसा मैंने बताया अचवानी पूड़ी या कढ़ी चावल, आप लड्डू गोपाल को भोग में लगा दीजिए। और आज के दिन आप एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं कि अपने घर में जो बच्चा जन्म लिया है और
उससे आप अपने घर की तिजोरी की चाबी या अपने मेन गेट की चाबी उन्हें समर्पित कर दें और लड्डू गोपाल से ये कहें कि आप इस घर के आप कर्ता धर्ता हैं प्रभु, आप इस घर के सुख समृद्धि का ध्यान रखिए, यही हमारी कामना है। ऐसे बोलते हुए आप लड्डू गोपाल को अपने घर की चाबी समर्पित करें और कुछ भी भूल चूक उनकी पूजा में उनके जन्म में आपसे हो गई हो तो उनसे क्षमा प्रार्थना आप अवश्य ही करें। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए। आप सभी के परिवार पे लड्डू गोपाल की कृपा निरंतर ही बनी रहे। हर हर महादेव।